हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कौन सी 5 स्टडी टेक्निक्स हैं जो कि मैं फॉलो करना नहीं पसंद करती, या मैंने फॉलो करी थी तो मुझे वो मतलब कुछ खास नहीं लगी, एंड आई वॉन्ट रिकमेंड दोज थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वीडियो है मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इफ़ यू डोंट नो मी इन केस। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप ये चैनल जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे स्टडी व्लॉग डाल रखे हैं, काफ़ी सारे और टिप्स दे रखी है, तो आप वो ज़रूर चेकआउट करो। अगर आप एक स्टूडेंट नहीं भी हो तब भी आपको वो जो टिप्स वगैरह जो मैं देती हूँ इस चैनल पे वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो मैं टेक्निक डिस्कस करने वाली हूँ वो है पोमोडोरो। तो पोमोडोरो टेक्निक मुझे आज तक कभी समझ नहीं आई, एंड मैं कभी यूज़ नहीं कर पाई। तो एज़ फार एज़ आई नो, मैंने जब ये जो टेक्निक है वो स्टार्ट करी थी 11th में यूज़ करना, तो इसमें क्या होता है, हमें 30 मिनट्स का स्टडी स्लॉट लगाना होता है, एंड उसके बाद 5 to 10 मिनट्स हमें ब्रेक लेना होता है, फिर 30 मिनट्स, फिर 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है। बट ये मुझे समझ इसलिए नहीं आई क्योंकि जैसे जो मेरे जैसे लोग होंगे जो एक बार अगर पढ़ने बैठ जाते हैं तो लॉन्ग आवर्स के लिए वो लोग अपना जो स्लॉट है वो स्ट्रेच कर लेते हैं, तो उनके लिए ये स्टडी टेक्निक बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। अगर आप ट्राई भी करोगे तो अपना जो मोमेंटम है वो बीच में ब्रेक कर दोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फिज़िक्स का चैप्टर रिवाइज करने बैठे हो तो 30 मिनट्स तो आपको उसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ने में या फिर फॉर्मूला रिवाइज करने में ही लग जाएगा, जो चीज़ आप भूल चुके हो उसको रिकॉल करने में लग जाएगा। एंड उसके बाद आपको 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी गलतियाँ एनालाइज करने के लिए उस चैप्टर में। एज़ फार एज़ आई नो, जैसे कोई अगर नीट एस्पिरेंट है, कोई JEE एस्पिरेंट है, और कोई 10th में है या फिर 12th में, आई थिंक सो कि 10th तक तो ये पोमोडोरो टेक्निक वैलिड है, क्योंकि तब इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है, 11th-12th में ज़्यादा सिलेबस होता है, तो हम इस जो टेक्निक है इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इतना छोटा क्या बोलते हैं इतने छोटे टाइम में हमारा कुछ भी कवर नहीं हो पाएगा 30 मिनट्स, एंड इनफैक्ट ब्रेक लेने के बाद तो ऑब्वियसली मोमेंटम टूट जाता है। सो दी सेकेंड टेक्निक इज़ एस्थेटिक। लाइक कुछ लोग होते हैं जो अपने स्टडी टेबल को और अपना जो सब कुछ एरिया होता है उसको इतना एस्थेटिक बना लेते हैं, इतना कलरफुल बना लेते हैं, इतने सारे कोड्स लिख देते हैं। लोग कहते हैं कि इसको देखने से हमारा पढ़ाई का मन हो जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ। ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखोगे ना, मैंने काफ़ी सारी ये चीज़ें ट्राई करी है, मैंने कोड्स अपने सामने लिख के रखे हैं, मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी है, मैंने अपने पूरे स्टडी टेबल को कलरफुल करा हुआ है। आप देख सकते हो, जब मैंने अपना स्टडी टेबल तोड़ दिया था तब मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें अपने दीवार पर चिपका रखी थी जो कि मोटिवेट करती हो, जो कि मैंने पिंटरेस्ट से देखी थी, बट एट द एंड ऑफ द डे वो मेरा अटेंशन और ज़्यादा खींच रही थी अपनी तरफ। मतलब इतने सारे कलर्स मैंने लगा दिए थे कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। आई डोंट थिंक सो कि सबके लिए ये चीज़ सही है कि गलत है, कि कुछ लोग होते हैं जो डिमोटिवेट फील करते हैं, फिर कोर्ट्स देखते हैं तो उनका पढ़ने का मन हो जाता है, बट आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसके सामने अगर तुम काफ़ी सारी चीज़ें चिपका दोगे ना तो वो जो टेबल पे बुक रखी है उसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाएगा ऑब्वियसली। एंड जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी उनके लिए ये चीज़ ठीक है कि हाँ वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी अपनी प्रिपरेशन में लगा देते हैं, काफ़ी सारी एस्थेटिक चीज़ें यूज़ करते हैं, वो कलरफुल हाइलाइटर्स यूज़ करना अलग अलग चीज़ों के लिए, बट एज़ फार एज़ आई नो एज़ अ PCM स्टूडेंट ये चीज़ काफ़ी बेवकूफ़ी लगती है मुझे। लाइक अगर हम लोग काफ़ी सारे हाइलाइटर्स यूज़ करते हैं तो वो एक तरीके से हमें डिस्ट्रैक्ट ही करती है, हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा उन कलर्स को देख देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है। एज़ फार एज़ आई नो, जब से मैंने अपने स्टडी टेबल पर चीज़ें चिपकानी थोड़ी कम कर दी है या फिर एक ही कलर की चिपकानी शुरू कर दी है, मैं लिटरली सिर्फ 1 से 2 कोट्स लिख के रखती हूँ जो कि मुझे सच में लगता है कि जिनको देख के मेरे दिमाग पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ, सिर्फ वही कोट्स मेरे वॉल पे लगे होते हैं, उसके अलावा कोई कोट नहीं है। मैं अभी थोड़े दिन बाद सोच रही हूँ स्टडी टेबल तोड़ दूँ। और सेकेंड थिंग इज़, जो कि हम लोग सोचते हैं कि स्टेशनरी आइटम्स हम बहुत ज़्यादा क्यूट से खरीद लेते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, आई डोंट थिंक सो दिस इज रेलेवेंट बिकॉज आई हैव ट्राइड ऑल दिस थिंग एंड या इट जस्ट डजेंट हेल्प मी टू कॉन्सेंट्रेट। बाकी सबका अपना अलग अलग होता है, यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड योर प्लेस लाइक वेयर यू फील मोटिवेटेड। इज एक्टिव स्टडी।
तो बेसिकली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव रिकॉलिंग. तो कुछ लोग कहते हैं कि बार बार एक थ्योरी को पढ़ने से, चीज़ें हाईलाइट करने से, उसको एज इट इज़ दूसरी नोटबुक में कॉपी पेस्ट करने से, या फिर किसी चीज़ को बार बार रिकॉल करने से या पढ़ने से हमें वो चीज़ याद हो जाती है, या फिर वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आती है. कुछ लोग होते हैं जो रिविजन के नाम पर सिर्फ नोट्स पढ़ते रहते हैं एंड ऑल दैट स्टफ. बट इसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगी कि ये स्टडी टेक्निक बेकार है, बट इसके बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं. लाइक ये नहीं होता एक्टिव रिकॉलिंग. एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब होता है कि सपोज आप कोई चैप्टर रिवाइज करना चाह रहे हो, तो जो आपने उस चैप्टर के, जब आप वो चैप्टर पढ़ रहे थे तो जो शॉर्ट नोट्स बनाए ना, आप उसको रीड करके फिर क्वेश्चंस करना शुरू कर दो. अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम काफ़ी टाइम हो जाता है एक चैप्टर को रिवाइज करे हुए, और फिर मन करता है कि अब रिवाइज कर ही लेते हैं, बट जब हम उसकी थ्योरी पढ़ने जाते हैं या शॉर्ट नोट्स भी पढ़ने जाते हैं ना, फिर भी उसके क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो क्या करें? तो फिर रिविजन नहीं होती, वो तो फिर पूरा पढ़ना ही हो जाता है ना. बट नहीं, ऐसा नहीं होता. अगर हमने वो चीज़ पहले पढ़ रखी है और उसको हम लोग अभी नहीं रिकॉल कर पा रहे, तो उसमें ये स्टडी टेक्निक यूज़ होती है एक्टिव रिकॉलिंग. इसका क्या मतलब होता है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहूँगी. फॉर एग्जाम्पल, एक चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जो कि हम सब ने देखा है मॉडर्न फिजिक्स में. तो उसमें क्या करना होता है, लाइक एक छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है. अब आपने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा, आप उसके नोट्स उठाते हो, आपके पास उसके शॉर्ट नोट्स भी है. तो बेस्ट टेक्निक जो मैंने यूज़ करी आधे घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करने के लिए, वो है कि टॉपिक वन निकालो, ठीक है, और उस टॉपिक वन से लेके लास्ट पेज तक अपने आप नोट्स के अपने आप को पढ़ाना शुरू कर दो. आप एक वाइट बोर्ड ले सकते हो या फिर एक प्लेन पेपर ले सकते हो और उसमें अपने आप को पढ़ाना शुरू कर दो. इससे क्या होता है कि आपको, आपके माइंड को ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो मैंने पहले पढ़ रखा है, ये मुझे एक्टिव रिकॉलिंग हो रही है इस चीज़ की, ये मैंने पहले पढ़ रखा है, ठीक है. तो आप उसको अपने आप को पढ़ाते हो. एंड वन थिंग यू कैन ऑल्सो डू इज कि टेक अ ब्लैंक पेपर एंड उसमें आपको जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड याद है वो आप लिख दो. इससे आपकी ब्रेन एक्सरसाइज भी होती है एंड ऑल दैट स्टफ. फिर आप वो लिखने के बाद फिर एक बार एनसीईआरटी पढ़ो या नोट्स पढ़ो एंड उसके बाद वो ब्लैंक पेपर टेस्ट करो. अगर इस टॉपिक के बारे में आपको और एक नई वीडियो चाहिए एक्टिव रिकॉलिंग से रिलेटेड, तो ज़रूर बताओ कमेंट्स में, मैं इससे रिलेटेड एक नई वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी. फोर्थ इज टाइम टेबल्स. तो टाइम टेबल्स हम सब ने बनाए हैं एंड 90% वो टाइम टेबल्स नहीं फॉलो नहीं हो पाते. तो सबसे पहले तो टाइम टेबल आधे से ज़्यादा लोगों को तो बनाना ही नहीं आता. ऐसा नहीं होता कि आप छोटे छोटे टाइम्स लिख के फिर उस हिसाब से अपने आप को एक रोबोट की तरह आप इंस्ट्रक्शंस दोगे कि तुझे 7:10 पे उठना है, फिर 9 AM तक ये करना है, और नहीं करा तो आप गिल्ट ट्रिप में चले जाओगे एंड उसके बाद आप फिर सब कुछ छोड़ दोगे. ऐसा नहीं होता. टाइम टेबल हमेशा स्लॉट्स में बनाना चाहिए कि आप जितने बजे भी उठो, वो जो उठने के बाद जो 2-3 घंटे होने चाहिए वो रिविजन के होने चाहिए एंड उसके बाद आपको लेक्चर जो है वो लंच के बाद स्टार्ट करना है. वो स्लॉट्स के हिसाब से करना है, क्योंकि हमेशा हर दिन हमारा सेम नहीं रहता. कभी हम 9 o'clock ब्रेकफास्ट करते हैं, कभी हम 8 o'clock ब्रेकफास्ट करते हैं, कभी हम 10 o'clock ब्रेकफास्ट करते हैं. तो इससे रिलेटेड मैं यही कहना चाहूँगी कि आप टाइम के हिसाब से मत बनाओ टाइम टेबल, अपना रूटीन बनाओ. लाइक आपको स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 बनाने हैं. दिन से कम 4 स्लॉट तो आपके होने ही चाहिए. इससे आपका प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज होती है और रोज़ का एक रूटीन बनता है एंड इसी को हम बोलते हैं टाइम टेबल फॉलो करना. कि हाँ, अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा खेल रहा है, उसको कोई बोले कि खेलने के बाद तो मुझे होमवर्क करना होता, तो उसे पता है उसे जल्दी होमवर्क करना है, नहीं तो डिनर का टाइम हो जाएगा. उसको टाइम का नहीं पता होता कि 7 बज गए या 8 बजे. उसको इतना पता है कि हाँ, 9 बजे डिनर हो जाएगा, उससे पहले कंप्लीट कर लेता हूँ. चाहे 9:30 बजे ही हो रहा हो ना, फिर भी वो 9:30 बजे तक अपना कंप्लीट कर लेगा. उसे कहते हैं स्लॉट्स में डिवाइड करना, जो कि हमारी ब्रेन क्लॉक में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है. फिफ्थ थिंग जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है क्रैमिंग कॉन्सेप्ट्स. तो कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान सोचता है कि यार, 1 घंटे का लेक्चर है इस टॉपिक पे, क्या मैं 1 घंटे का लेक्चर देखूंगा या देखूंगी, इससे अच्छा मैं इसको लर्न कर लेता हूँ. लाइक 5 to 10 times हम उस चीज़ को पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग को वैसे भी हो जाएगा, मतलब डाइजेस्ट हो जाता है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे. बट दिस इज़ अ रॉन्ग वे. क्या होता है कभी कभी कि हमें 2-3 दिन वो चीज़ याद रह जाती है एंड उसके बाद हमें भूल जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग अगर ऐसे समझ ले उस चीज़ को विजुअलाइज करके, तो हमें वो चीज़ कभी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको याद रखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मैकेनिज्म हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है फिज़िक्स में, क्योंकि फिज़िक्स में विजुअलाइजेशन लाइक मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स में काफ़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो चीज़ें हम रियल लाइफ में नहीं देख सकते.
सकते, हम वो इमेजिनरी लाइंस रियल लाइफ में नहीं देख सकते, तो इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। तो रटने से कुछ नहीं होता, हमें हर चीज़ क्रैम नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसा होता है कि बायो में, जैसे सपोज जो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनको दिखता होगा बायो में काफ़ी सारी ऐसे टर्म्स होती है जो हमें याद करनी पड़ती है, वो नाम होते हैं, तो वो चीज़ें क्रैम करी जाती है। बट एज अ पीसीएम स्टूडेंट आई वुड से कि इतनी ज़्यादा क्रैम करने की चीज़ें है नहीं, है भी तो सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगी या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक दो मिलेगी, फिजिक्स और मैथ्स में क्रैम करने लायक कुछ भी नहीं है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, आई होप यू लव दिस वीडियो, एंड अगर आप मेरे चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट अच्छे अच्छे ड्रॉप कर दो, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना एंड वीडियो लाइक भी कर दो, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि अगर आप लोग मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करोगे वीडियो बनाने के लिए तो ऑब्वियसली वीडियो की क्वालिटी भी इनक्रीज होगी एंड आपको और ज़्यादा अच्छा आउटकम मिलेगा। सो या Bye. But you don't understand.